उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। बात की जाए कानपुर देहात की तो रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र की समाजवादी पार्टी के दावेदार नीलम कठेरिया द्वारा घर घर जाकर झंडा लगाओ अभियान शुरू किया गया। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो कहीं उनके कार्यकर्ता घर घर झंडा लगाओ अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें, रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के झिंझक कस्बे में सपा नेत्री नीलम कठेरिया ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर झंडा लगाओ अभियान चलाया। वहीं उन्होंने लखीमपुर खीरी घटना को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र डैनी की बर्खास्तगी को लेकर मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार अपनी हार को लेकर बौखलाहट दिखा रही है, जिसके चलते पत्रकारों ने जब सवाल किया तो अजय मिश्र डैनी गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र डैनी की बर्खास्तगी की मांग की गई। यूपी न्यूज 24/7 के लिए कानपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट। मैडम, आज आप रसूलाबाद विधानसभा के झिंझक कस्बे में आई, क्या कार्यक्रम है और क्या संदेश है? ये घर घर जा कर के झंडा अभियान चालू है, बस यही कार्यक्रम हो रहा। जो एक भाजपा के हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, जिनके बेटे पर आरोप है किसानों पर, किसानों को कुचलना, कुचलकर हत्या करना, उस पर अजय मिश्र का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? ये उनकी सरकार जा रही है तो ये खिसियाट उनके साबित हो रही है। क्या मांग करती हैं ऐसे? ये उनको सजा मिलनी चाहिए जो किसानों पे हत्या की गई है।